आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम नारियल की चटनी बनाने जा रहे हैं। चलो नारियल की चटनी बनाते हैं। नारियल की चटनी बनाने में क्या क्या सामान हमें चाहिए वो हम आपको दिखाते हैं। यह नारियल का बुरादा है, दो हरी मिर्चें हैं और कच्ची मूंगफली की गिरी है और एक कटोरी दही है। नारियल आप पानी वाला भी ले सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम ग्राइंडर में डालकर चलाते हैं। अब हम जार में दही, मूंगफली गिरी और नारियल का बुरादा, हरी मिर्चें स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब हम इन सबको ग्राइंड कर देंगे। अब हमारी नारियल की चटनी तैयार है। आप देख रहे होंगे बिल्कुल तैयार हो गई है। इसमें केवल 2 ही मिनट का समय लगता है, बहुत जल्दी बन जाती है। आप इसमें पानी का यूज़ ना करें, दही का ही यूज करें। अब इसमें तड़का वो लगेगा, वो राई का तड़का लगाऊंगी मैं, वो दिखाती हूँ मैं आपको। और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। तड़का लगाने के लिए हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं और इसमें ही हम थोड़ी सी राई डालते हैं। अब हमारा तड़का तैयार है। अब हम इसमें ये ट्रांसफर कर देते हैं। अब हमारी चटनी तैयार। यदि आप पसंद करें तो इसमें लाल मिर्च का तड़का और करी पत्ते का तड़का भी लगा सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। धन्यवाद।